हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग अपने घर पे सेफ रहें, सुरक्षित रहें। एज यू ऑल नो, माय चैनल इज़ ऑल अबाउट रिव्यूइंग ब्यूटी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू वन मोर प्रोडक्ट, दैट इज़ दिस प्रोडक्ट। निविया माइसेलर स्किन ब्रीथ माइसेलर क्लिनजिंग वाटर फॉर फेस, आईज एंड लिप्स। I have a oily and acne prone skin and I'm using it, as you can see. I'm using this micellar water right now. Abhi lockdown ke time pe this is the only makeup remover I have use kar rahi hu. As you can see, maine kitna use kar liya hai ye. It is claimed by Nivea that it is 3-in-1 makeup remover and it's for normal skin, as I've told you. Bottle pe ye claim kiya gaya hai, it removes makeup effectively. Yes. Gently and deeply cleanses. I will not agree with this thing. Gently and deeply cleanses तो नहीं करता है ये, और मेकअप रिमूव करता है, दैट इज़ देयर, बट जेंटली क्लिंज नहीं करता है। सेकेंड टाइम लगाते हो तो मैं बोल सकती हूँ ये जेंटली क्लिंज करता है, बट फर्स्ट टाइम नहीं। रिफ्रेशेस एंड हाइड्रेट्स, यस, ये आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है और हाइड्रेट भी करता है। इट इज़ O2 इंक्रीज अपटेक एंड दे हैव ऑल्सो मैंशन हियर दैट नो रिंसिंग एंड नो परफ्यूम्स। यस, इसमें कोई भी हार्श फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई भी हार्श स्मेल नहीं है, और आपको रिंस करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप मेकअप रिमूव करते हो। लेट्स टॉक अबाउट पैकेजिंग। पैकेजिंग की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल पैकेजिंग है, प्लास्टिक की बॉटल है। ये मुझसे टूट गया है, ये जो इसका कुछ ये मुझसे टूट गया है तो ये बंद नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज पैकेजिंग का इतना कोई इशू है नहीं इसमें। एंड जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं एंड हाउ टू यूज़ इट डायरेक्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। रिजल्ट क्या क्लेम किए जा रहे हैं इसमें, दैट योर स्किन इज़ परफेक्टली क्लीन, सॉफ्ट एंड सपल। परफेक्टली क्लीन, येस, सॉफ्ट एंड सपल, येस, विदाउट एनी रेजिड्यू लेफ्ट। थोड़ा बहुत रह जाता है, कोई भी रिमूवर्स यूज़ किए हैं उसमें मैंने ये नहीं देखा है कि कोई भी मेकअप रिमूवर 100% मेकअप को क्लीन करता है, 100% तो नहीं है ये। इसके बारे में बहुत सुना था, आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई इट। वो 250 रुपीज़ में 200 ml प्रोडक्ट मिलता है, विच इज़ नॉट बैड। मार्केट में बहुत सारे मेकअप रिमूवर्स हैं, बट इसमें जो क्लेम किया गया था अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको 250 रुपीज़ में 200 ml प्रोडक्ट मिल रहा है, विच इज़ नॉट बैड, एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई इट। मैंने मार्केट में बहुत सुना था इसके बारे में, कोई हार्श स्मेल नहीं है, कोई हार्श फ्रेग्रेंस नहीं, और अच्छा बहुत अच्छा वर्क करता है, तो आई थॉट आई शुड ट्राई इट एंड आई शुड रिव्यू इट। सो फार आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, आई विल हाईली रिकमेंड इट। दिस इज़ वेरी बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल प्रोडक्ट। तक कोई भी कंप्लेन नहीं आई है इससे ना। आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन, बहुत जल्दी रैशेज हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक्ने हो जाते हैं, बिकॉज आई हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, बट इससे कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। अगर आई थिंक ये सभी स्किन टाइप के लिए है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन पीपल, दे कैन ट्राई इट। आई विल हाईली रिकमेंड इट। एंड 250 रुपीज़ में अगर आपको कोई भी अच्छा मेकअप रिमूवर मिल रहा है तो वाई नॉट। ट्राई करने में तो कोई बुराई नहीं है, वी कैन ट्राई इट, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखने हैं एंड आपके क्या थाट्स हैं इस प्रोडक्ट को लेके। आपने यूज़ किया है और अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं वीडियो के एंड में इसका एक डेमो का क्लिप डाल दूँगी। सो टिल देन, बाय, टेक केयर।